एवरीवन, वेलकम है आपका समझ किचन में। आज हमारी किचन में बन रहा है मसाला ओट्स, जो कि बहुत टेस्टी हैं और हेल्दी भी हैं। तो इसको आप खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में भी खा सकते हैं और डिनर में भी इसको लिया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत लाइट है, बहुत कम तेल में बना है, बहुत हेल्दी है। इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज़ हुए हैं और उसके साथ साथ ये बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए। जो लोग अपने वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। बहुत सारी इसमें वेजिटेबल्स हैं, फाइबर है, ओट्स वैसे भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। ये भी उसको खा सकते हैं क्योंकि बहुत कम तेल में बना है और इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज़ हुए हैं। तो चलिए इसको बनाने का देखते हैं मेथड। और अगर आपने समझ चैनल को, समझ किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। चलिए देखते हैं। और हेल्दी मसाला ओट्स बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी ओट्स, और फिर शिमला मिर्च कटी हुई बारीक, और कटे हुए प्याज, फ्रोज़न मटर आधी कटोरी, और ये गाजर मीडियम साइज़ की कसी हुई, और ये हैं हमारे कॉर्न, थोड़े से बीन्स, और थोड़ा ऑयल, इसमें हम बहुत थोड़ा ऑयल यूज़ करेंगे, और ये है हमारा मैगी मसाला। इसको हम डालेंगे, इसीलिए इसमें कोई नमक अलग से एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो आप डाल सकते हैं थोड़ी नमक, थोड़ी लाल मिर्च, और उसके साथ ले लीजिए थोड़ा सा चाट मसाला। बस फिर हम बनाते हैं। देखिए, एक कढ़ाई में हम लेंगे सिर्फ 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच तेल, इससे ज़्यादा तेल नहीं लेंगे क्योंकि इसको हमें हेल्दी बनाना है और लो कैलरी बनाना है, जो कि बड़ा है। प्याज डाल देंगे और प्याज को थोड़ा सा सॉटे करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मटर, मटर सबसे पहले डालेंगे क्योंकि मटर गलने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले मटर डाल दिया और 1 मिनट इसको ऐसे चला दिया, करीब 1 मिनट तक इसको मीडियम आंच पर ऐसे चला लीजिए, थोड़े मटर सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम बीन्स, अब डाल दीजिए अपने कॉर्न, इसमें डाल दीजिए शिमला मिर्च, जितनी सब्जी आपको पसंद हो उस हिसाब से डाल लीजिए, ज़्यादा इसमें डालेंगे गाजर, गाजर से बहुत अच्छा कलर आ जाएगा, और इनको ऐसे सॉटे करेंगे। इन वेजिटेबल्स को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जैसे चाइनीज़ में होता है थोड़ी क्रिस्पी सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, वैसे इसमें भी रखेंगे। बस थोड़ी देर, करीब 1 मिनट तक इनको सॉटे हो जाने देंगे, फिर इसमें हम डाल देंगे अपना मसाला। हम 2 कटोरी पानी, क्योंकि 1 कटोरी ओट्स लिए थे तो उसमें 2 कटोरी पानी पड़ेगा, ये याद रखिएगा हमेशा। अगर आप 2 कटोरी ले रहे हैं तो फिर 4 कटोरी कर दीजिए पानी, और इसको बॉयल आने, पानी में बॉयल आ चुका, फिर उसमें ओट्स डाल देंगे और इसको चलाएंगे। मैं इसको 2 मिनट तक पकने दीजिए, इसका पानी थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए, ये थोड़ा थिक हो जाए। अब देखिए हमारे मसाला ओट्स तैयार हैं, पानी ख़त्म हो चुका है, अब हम इनको सर्व करेंगे। नींबू निचोड़ देते हैं, इसका बीज आ गया, इसको हटा देते हैं, और इसमें डालेंगे थोड़े से, हम स्प्रिंकल कर देंगे चिली फ्लेक्स, अगर आप चिली पसंद करते हैं तो। वैसे भी कहा जाता है कि चिली फ्लेक्स ब्रेकफास्ट में खाने से वेट लॉस में हेल्प मिलती है। तो ये ओट्स रेडी हैं, आप इनको खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में, या फिर डिनर में भी, क्योंकि बहुत लाइट होते हैं, बहुत कम तेल से बने हैं, बहुत हेल्दी हैं। आप इसको बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी हैं, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छी लगी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप इसमें कौन सी और वेजिटेबल ऐड करना चाहेंगे, या आपको कौन सी वेजिटेबल पसंद नहीं है जो आप हटाना चाहें। आप ओट्स ज़रूर खाएं, खुद खाएं, अपने घर में सबको खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, बुज़ुर्गों को खिलाएं। अच्छा, बच्चों को खिलाना तो आसान नहीं होगा, तो अगर आप बच्चों की डाइट में ओट्स शामिल करना चाहते हैं तो मेरे पास उसकी भी रेसिपीज़ हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं डेफ़िनेटली उसकी भी रेसिपी लेकर आऊँगी। समद किचन को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।